हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो MRF ने अभी पैकिंग चेंज कर दी है अपनी बाइक ट्यूब्स की, ऑटो की ट्यूब्स की, तकरीबन ट्यूब्स की सबकी अब डिब्बे बॉक्स पैकिंग कर दी है। तो क्वालिटी क्या चेंजेस किए हैं, क्या MRP चेंज हुआ है, तो इन सब बातों के लिए आप वीडियो लाइव देखिए दोस्तों। और सभी भाइयों का स्वागत है चैनल में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों सबसे पहले MRF की इस तरह से आपने पैकिंग देखी भी होगी, इस तरह से पैकिंग आती थी। उसके बाद इन्होंने कुछ दिन पैकिंग चेंज करके इसको ये लूज़ में लिया है, इस तरह से लूज़ जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, इस तरह की लूज़ पैकिंग आने लगी है। उसके बाद दोस्तों अब इन्होंने पैकिंग इसकी इस तरह के बॉक्स पैकिंग में इस ट्यूब को ये लोग ले आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि MRF की ये 2/75/18 की बाइक ट्यूब है, MRF की मोटरसाइकिल बुटाइल ट्यूब लिखा हुआ मेड इन इंडिया 2/75/18, और नीचे इसकी वारंटी पॉलिसी वगैरह लिखी हुई है। और दोस्तों यहाँ पे अभी ये बात कर लेते हैं इनके MRP की। तो MRP में कोई चेंज नहीं किया गया है दोस्तों, 315 ही पहले आ रहा था और 315 ही अभी आ रहा है। तो अभी बात कर लेते हैं, इनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो भी सेम है, और कस्टमर केयर वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह सब सेम है, कुछ इसमें चेंजेस भी नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। अब दोस्तों बात करें इनके प्लांट के, कुछ इन्होंने चेंजेस किए हैं तो दोस्तों यहाँ भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। पहला प्लांट तमिलनाडु, फिर दूसरा तेलंगाना, तीसरा केरला, तो सेम ही यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं तमिलनाडु, तेलंगाना और केरला। तो यहाँ भी कुछ चेंज नहीं हुआ। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी की, कि बाइक की ट्यूब में कुछ क्वालिटी में इन्होंने चेंज किया है नहीं। पैकिंग आप देख सकते हो, इस तरह से ऊपर टेप लगी हुई है MRF की। तो अभी इसको बॉक्स को हम ओपन करके देख लेते हैं। दोस्तों बात करेंगे MRF की, तो पैकिंग चेंज करने का मकसद दोस्तों यही होता है कि पायरेटेड जो मार्केट में चलती है उसको हटाने के लिए कंपनियाँ करती रहती हैं चेंजेस। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले C8 ने भी अपनी बाइक ट्यूब्स की पैकिंग ही चेंज की थी, वहाँ भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था। तो अभी ये ट्यूब हम निकाल लेते हैं, तो ट्यूब देखने में तो बिल्कुल सेम सी क्वालिटी लग रही है। और इसको अभी ओपन करके इसको देख लेते हैं हम बॉक्स को निकाल के। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लियो। भाइयों आपसे आशा रहती है मुझे चैनल सब्सक्राइब करने की। दोस्तों क्वालिटी बिल्कुल सेम है इसमें, कोई इन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया, वही ट्यूब है वही क्वालिटी है, यहाँ इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम लोगो है MRF का, यहाँ पर अभी कोई इसमें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है देखने में। बात करें इसकी पैकिंग की, तो 4 मार्च 2022 की डेट इस पर लिखी हुई है, और यहाँ आप देखोगे 3/2022, तो सेम ही है दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने किसी भी तरह का कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है MRF का यहाँ पे ट्यूब का। तो दोस्तों आगे से आपको इस तरह की पैकिंग में MRF की ट्यूब मिलने लगेंगी, तो आप इसे बॉक्स से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं जेन्युइन का, कि इस पर टेप वगैरह लगी होनी चाहिए, हटी ना हो। तो जेन्युइन की पहचान करने के लिए अब आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत आएगी नहीं। तो दोस्तों अच्छा, तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस चीज़ का मुझे आशा रहता है हर बार। और दोस्तों अच्छी लगती हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, शेयर कर दिया करो, और आपके सपोर्ट से ही चैनल चलता है। तो दोस्तों आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप पूछ लिया करो, मैं ज़्यादातर सबके रिप्लाई दे ही देता हूँ। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।